Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for the Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the second chapter, we completed up to verse number 49, 2.49 has been completed. So let's take a fast recap of what we did last week. Yes. सफलता विफलता जय पराजय सबकी आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो और इसे समता योग कहते हैं. 48 कहते हैं धनंजय सकर्म कर्मों को गर्हित करके जो व्यक्ति उसका फल भोगता है वह कभी भी श्री कृष्ण मतलब नहीं जानता कि अपने जीवन को कैसे पूर्ण किया जाए उस व्यक्ति को कृपण कहते हैं. और जो व्यक्ति अपने इस सभी कर्मों के फल को श्री भगवान को अर्पित करके कार्य करता है वो गुड. यू स्टडीड ऑल वीक हां गुड दैट्स नाइस वेरी नाइस. So this is, we are here to really appreciate Mataji for studying throughout the week. See, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, संडे को बुक खोलते हैं, 1 o'clock 12:15 को क्लास बंद हो गया, बुक बंद, अभी नेक्स्ट जुम्मा टू जुम्मा जैसा, संडे टू संडे. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट्स द वे इट शुड बी. वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीड ड्यूरिंग द वीक. द पॉइंट्स नोटेड आर मेंट टू बी रेड. रद्दी वाले को बुक बेचने के लिए नहीं बना लिखते हैं हम लोग इसके लिए लिखते हैं ताकि हम लोग उस पॉइंट्स को याद कर सके. सो वेरी नाइस पॉइंट्स, वेरी नाइस. आई एम वेरी हैप्पी यू गॉट द क्रक्स ऑफ ऑल द 3 वर्सेस वेरी नाइसली. एनीथिंग एल्स मदर जी फ्रॉम योर एंड, यू हैव एनी अदर पॉइंट इज मिस्ड आउट? सो यू टॉक्ड अबाउट द टाइम, टाइम इज होल्डिंग यू. सो व्हेन इन भक्ति यू गेट पीस, यू आस्क अ क्वेश्चन व्हाई वी एंजॉय doing devotional service. Yeah, because there the time factor doesn't work, and time factor is the only factor which keeps us in a miserable condition. Time factor is the only thing which keeps us in a miserable condition. So please note that time factor is very very important factor. वक्त जो है, वक्त का पहिया चलते रहता है, और वक्त का पहिया हमको हमेशा तकलीफ, हमको problems, हमको वही देती रहेगी. कभी वक्त आपको, शायद ही कभी आपको कभी खुशी का वक्त पल मिल सके, और वो खुशी का पल भी कौन सा है जो अक्सर प्रॉब्लम नहीं है, बस वही वक्त है, खुशी नहीं है. प्रॉब्लम ना होने का जो टाइम है ना, उसी को हम लोग खुशी में समझते हैं. तब यू नो पीरियड बिटवीन टू सैडनेस इज व्हाट वी नो एज हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज समथिंग मच मोर अबव दैट. दैट इज नॉट हैप्पीनेस. हम लोग उसी चीज़ को खुशी समझ के बैठेंगे, भाई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी खुश हैं. यस, वन थिंग विच वी अंडरस्टूड फ्रॉम 2.49 वॉज दूरनी आवृतम कर्म कर्म बुद्धि योग धनंजय बुधौ सर्व अविच्छय कृपण फल हेतवा. ही इज कंसिडर्ड टू बी ए कृपण. कृपण मीन्स माइजर. यू ऑल वर देयर इन द, मोस्ट ऑफ यू ऑल वर देयर इन द सेवा, छप्पन बुक सेवा. Now, without quoting any names, I'll tell you one person, not from our group, from another group, very senior devotee, he had come and he kept some bhoga in front of the Lord, chapan bhog. And then, piche khada tha thoda dur pe, bola, kya prabhu, kya leke hai? Bas, thoda leke hai, achha. Aur jab leke jane ka waqt aaya, wo mera laddu hai, wo mera aam hai, wo mera... कुछ संदेश था, कुछ तो था, ये मेरा है. अर्पण क्या किया फिर? अगर ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, तो तूने अर्पण क्या किया? व्हाट हैव यू ऑफर्ड? वंस यू ऑफर्ड मींस यू हैव लॉस्ट द प्रोप्राइटरशिप ओवर दैट थिंग. सो व्हाट सच ए पर्सन इज कॉल्ड एज कृपण, माइजर. वेन यू आर ऑफर्ड, मगर ये लड्डू मेरा है, भगवान को भोग लगने के बाद मुझे मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए, मतलब उसका फल जो है, या मैंने कुछ ऑफर किया भगवान को, उसका फल मुझे ऐसे ऐसे मिलना चाहिए, ये सोच ही गलत है. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. कि लोग फल का इच्छा करते करते, एंड फल का इच्छा कहाँ होता है, किस भक्ति में होता है? कर्मकांड में. एंड कर्मकांड बेसिकली डील्स विथ व्हाट?
कर्मकांड मेनली डील्स विद व्हाट? डेमिगॉड वर्शिप. बट मेनली इफ यू सी इन कर्मकांड इट डील्स मेनली विद वन मेजर थिंग एंड दैट इज बटर. ओके ठीक है. समथिंग स्टिल मोर हायर. या मटेरियल बेनिफिट्स एंड समथिंग मोर हायर. समथिंग मोर हायर. नो इट टॉक्स अबाउट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये करना है ये नहीं करना है. और वही हम लोग जिंदगी भर वही सुनते आए ये करना है ये नहीं करना है. हैव यू एवर थॉट ऑफ एनीथिंग? प्रभु जी क्या है कल श्रावण सोमवार. ठीक है श्रावण सोमवार में क्या है? नहीं प्रभु श्रावण सोमवार उपवास करना चाहिए. उपवास में ये खा सकते हैं ये नहीं खा सकते हैं. बस जीवन भर डूज एंड डोंट्स में हम लोग अटके पड़े हैं. दैट इज व्हाट इज प्रवृत्ति मार्ग एंड निवृत्ति मार्ग. दिस इज कॉल्ड एज प्रवृत्ति मार्ग एंड निवृत्ति मार्ग. व्हाट डज दिस मीन? प्रवृत्ति मीन्स प्रोग्रेसिंग डूज एंड निवृत्ति मीन्स डोंट्स. बस ये मत करो. गुरुवार को नखून नहीं काटना चाहिए. शनिवार को बाल नहीं काटना चाहिए. क्यों मालूम नहीं. सो व्हाट डज हैपन? व्हाट डज कर्मकांड बेसिकली डू? इट कीप्स यू बाउंड इन रूल्स एंड रेगुलेशंस. बट फ्रॉम द हार्ट देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ भक्ति. डिवोशन सर्विस आ नहीं रहे. बस उसी दायरे में आप फंसे हुए हो. रूल्स एंड डूज एंड डोंट्स करो मत करो. क्यों मत पूछो? और पूछेगे तो मत पूछो. टेल मी हाउ मेनी पीपल. अभी श्रावण का महीना चल रहा, थोड़ा शिवजी के बारे में बात करते हैं, है ना? हमारे फेवरेट है ना, परम वैष्णव थे. परम वैष्णव है तो उनसे बारे बात करना चाहिए. शिवजी क्या गले में क्या पहनते हैं? नाग. वाई काल. ओके समथिंग हायर. वो तो वॉच भी लगा सकते थे, डिजिटल वॉच भी लगा सकते. वाई नॉट? वाई ओनली सांप? एनाकोंडा एनाकोंडा नहीं डालते हैं. क्यों ओनली सांप? वाई? एंड देखेंगे तो छोटा सांप रहेगा, बहुत लंबा सांप नहीं रहेगा. देखा रहेगा ना आप लोगों ने सांप तो शिव जी गले में. क्यों? वाई? सिंपल कर्मकांड. कितने शिव? अरे आप तो बड़े शिव भक्त हैं. बताइए माता जी पता किया आपने? बड़े महाशिव भक्त के भक्त बन रहे थे फिर आप तो. अगर लेट्स से आप प्रभु जी किशोर कुमार के फैन हो तो उनके बारे में सब गाना सुनना चाहिए. उनके थोड़ा बहुत डेटा, डेट ऑफ बर्थ, कितने फिल्म्स में काम किया, मतलब बेसिक स्टैटिस्टिक्स यू शुड बी हैविंग, राइट? सिमिलरली इफ यू आर प्योर डिवोटी ऑफ गॉड, यू शुड, आई मीन प्योर डिवोटी ऑफ लेट्स से शिव जी, देन यू शुड नो एटलीस्ट दीज बेसिक थिंग्स. हाँ दीपाली बताइए. यस व्हाट डू यू थिंक? शिव जी गले में सांप क्यों है? ये ठीक है, दैट इज ऑन द नेक ना, दैट इज व्हाई इज कॉल्ड नीलकंठ. उन्होंने रोक दिया. वो कैसे रुका? क्यों? राम का नाम हमेशा गले में रहेगा ना तो जहर भी अंदर नहीं जाएगा. और दूसरा आचार्यगण, उसमें कई आचार्यगण का अच्छा अलग अलग भाव है. एक आचार्य कहते हैं, दिस इज फ्रॉम साउथ श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य है, वो कहते हैं कि शिव जी ने जानबूझ के यहाँ रोक दिया. क्यों? विष किसको कहते हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब विष है. और ये सब विष शिव जी लेके यहाँ रोक दिए. क्यों? मन में उतर गया तो प्रॉब्लम है ना. अंदर उतर गया तो मन में उतरेगा. और हम लोग क्या करते हैं? उस चीज़ को मन में उतार के रखते हैं. अगर उन्होंने क्या किया? राम नाम की मदद से उसको यहीं बांध के रख दिया. तो अगर हम लोग भी भगवान का नाम लें, इफ वी चैंट द नेम ऑफ द लॉर्ड रेगुलरली, वी कैन ऑल्सो कीप अवर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ऑल दीज यू नो बैड थिंग्स बाय विच वी आर ट्रबल्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इट विल स्टे हियर ओनली, इट विल नॉट गो डाउन. That doesn't mean keep on chattering about that. Neither I will say. But the thing is, it should be kept away. So let's come back to the same question. Who else is good Shiv Bhakta over here? Ab koi nahi rahega.
चढ़ा नहीं, वो ठीक है, बिलपत्र चढ़ाओ वो ठीक है, अच्छी बात है. सी यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड देयर दिस कम्स, दिस स्टोरी कम्स इन दक्षिण भारत, दिस डजंट कम इन नॉर्थ इंडिया. साउथ इंडिया के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, द स्टोरी बिहाइंड इट. रावण वंस सेंट अ राक्षस असुर, एंड दैट असुर वॉज कॉल्ड एज सर्पकेश. सर्पकेश, वी मस्ट हैव सीन ऑल दिस हॉलीवुड मूवीज कमिंग आउट फ्रॉम हिज हेड हेयर, एवरी हेयर स्ट्रैंड ऑफ हेयर इज लाइक ए स्नेक, यू नो. आई डोंट नो मेनी बॉलीवुड सॉरी हॉलीवुड मूवीज में ये दिखाया गया है. सो ही इज सपोज टू बी दिस सर्पकेश जो है, इसके शरीर में इतने सांप थे, केश की जगह पे सांप थे. ही वॉज सो बैड सिंफुल, एंड इट इज सेड दैट वॉट लीला कृष्ण डिड ऑन कालिया, रामचंद्र जी डिड दिस लीला ऑन दी सर्प. वेन दे केम टू अटैक रामचंद्र जी, दैट फेलो केम टू अटैक रामचंद्र जी, एंड वेन एवर यूज टू कम ही यूज टू लुक सो बिग, बिकॉज फ्रॉम ईच हेयर और ईच स्ट्रैंड ऑफ हेयर ईच स्नेक यूज टू कम आउट, बड़े बड़े सांप आते थे. तो रामचंद्र जी उसके ऊपर कूद गए, उस राक्षस के ऊपर, और उसके नो जितने भी फण थे उस फण पे उन्होंने नृत्य किया, जैसे कृष्ण ने कालिया के ऊपर नृत्य किया था. और उस नृत्य करने के वजह से सभी सर्प गिर गए, टूट के मर गए. गेट द चेयर्स इफ यू वांट, गेट वन और टू चेयर्स यू गेट, यू सिट. तो पॉइंट वॉज शी वॉज जंपिंग ऑन दोज स्नेक्स, एंड कहते हैं उनका मुंडन हो गया. मुंडन मतलब ऑल द स्नेक्स फेल डाउन, बट देन नाउ दे वेर हैविंग फुटप्रिंट्स ऑफ लॉर्ड रामचंद्र जी ऑन द हेड ऑफ द स्नेक्स. ऑल द पॉइजन हैड बीन वॉमिटेड, बट दे वेर लाइक रज, भगवान के पैर के रज, वैसे ये सर्प भी बन गए उनका भगवान के रज. तो शिवजी ने बोला नहीं, अब ये सब जितने भी सांप थे वो मर गए, गिर के मर गए, दे डाइड बिकॉज भगवान के पैर के पड़ने से वो मर गए. एंड वो राक्षस पूरा ही वॉज डिवॉइड, ही वॉज लाइक यू नो हाउ यू सी अ कीमोथेरेपिस्ट पेशेंट, यू नो लाइक फुल ऑल द हेयर गोज ऑफ लाइक दैट, ऑल द स्नेक्स हैड गॉन आउट, एंड देन ही डाइड, ही वॉज किल्ड by Lord Ramchandra ji. And the whole purpose was, this was sent by Ravan. Ravan's plan was that to kill Ramchandra ji. When he came to know that he is going to, because in South India it is said that he already got the Akashvani, that like how Kamsa got the Akashvani, he got the Akashvani that his Kaal is going to be none other than Lord Ramchandra ji. That is why he was not fighting him on one-to-one basis from the day one. He used the 14,000 rishis, I mean Rakshasas with Karan Dushan. He sent all the other ways and means to kill him, but he didn't, he was avoiding. Chupke baita tha, aane de, usko aane de, I will not go and fight. When he came also, usne ek ek karke Kumbhakaran, ye, wo sabko bheja. But he himself never tried to face Ramchandra ji, though he had kept the Amrit in his Navi. It was his plan. So the point is, those snakes had died out. These snakes, when they were touched by Lord Shiva, they got revived. They got their life back. And then, since they were as good as Nirmalya from the foot of Lord Ramchandra ji, Shivji puts. So that is why, don't worry, he changes every day. His necklace he changes daily. He changes his necklace daily, though we see only one snake, but he keeps on changing those necklaces. Now is it clear? Abhi Krishna Bhakti karo. So, basically Karma Kand means do's and don'ts. Pravritti Marg and Nivritti Marg. And usme kya karte hain? End mein thode din ke baad hum log kya karte hain? Usme se jo humko pasand hai, hum le lete hain. Jo nahi pasand hai, chhod na, Bhagwan ne kaha bola aisa. भगवान ने ये भी काम बोला, वॉट यू लाइक यू टेक एंड वॉट यू डोंट वॉन्ट यू लीव. एंड बहाना क्या बोलते हैं, कहां भगवान ने ऐसा बोला है, किधर लिखा है, उपवास कहां लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है. भगवान थोड़ी यू विल बी हैप्पी इफ आई स्टे हंग्री, मेरे भूखे रहने से भगवान कैसे कैसे खुश हो सकते हैं. दीज आर ऑल नो डिविएशन, दैट इज वाई
कर्मकांड इज गुड ऑन द इनिशियल लेवल बट वन हैज टू प्रोग्रेस हायर देन कर्मकांड. अगर वो कर्मकांड में ऊपर नहीं बढ़ा, व्यक्ति नहीं बढ़ा, तो क्या होता है, व्यक्ति वहीं पे अटका नहीं रहता है. देर आर ब्राइट चांसेस दैट ही मे बिकम ए नास्तिक. नास्तिक बनने की संभावना ज़्यादा होती है कर्मकांडी व्यक्ति. क्यों? कर्मकांडी व्यक्ति कृपणा होता है, ही वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न. जैसे एक इट इज वेरी कॉमन एंड वी हैव सीन ऑल्सो, एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा पूजा पाठ करता था, सब कुछ करता था, बट सडनली वन फाइन डे ऑन सीइंग हिम ही वॉज अवे फ्रॉम ऑल डिवोशन एंड भक्ति वक्ति सब छोड़ दिया, भगवान का बुक पुस्तक पढ़ना छोड़ दिया, जो भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी पढ़ता था सब छोड़ दिया उसने. तो पूछा उसको, क्यों भाई क्या हो गया, क्यों छोड़ दिया तूने? तब उसने बोला, अरे मेरा एक लौता बच्चा था, मर गया, भगवान ने उसको बचाया नहीं, तो मैंने भक्ति करके क्या फ़ायदा है, बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग सम फेवर इन रिटर्न. Whereas when we go to Bhagavatam and all, there we realize, oh, when Narad Muni lost his mother, Narad Muni, when he was born as a, what do you say, maidservant's son, when he was born as a maidservant's son, what happened to him? He said, he was happy serving those, sages, and suddenly one day a snake bit and his mother died. That's the difference. One in devotion doesn't think that he has lost his mother. He says, okay, my only bondage has gone away. Now I can do devotion without any bondage. Whereas a karmakandi person, अरे मैंने तो भक्ति किया था but मेरा उसमें नुकसान हो गया, फायदा नहीं हुआ, मैंने भगवान का इतना हवन किया, इतना पूजा किया और धंधे में इतना नुकसान हो गया, तो मेरे को नुकसान हो गया, I'm in loss. So a person who barters with God is always a big fool. And there are bright chances that such a person might become a Nastic. An atheist. Banne ka chances jyada rehta. And most of the cases if you see, you know, people do many things of their own. And then they want God to rectify it. Does anyone ask God about the child? You may produce your child, then it is your headache to take care of your child. When you keep it on God, it is God's headache. That's why we are supposed to offer all the fruits to God. Okay. So let's go to 50, right, today? Buddhi yukta jahatiha ube sukrite dushkrite tasmat yoga yujishyasva yoga karmasu kaushalam. Very, very, very important. Now let me ask some intelligent people some intelligent question. नम्रता माता जी, वाई डू यू चैंट? क्या फ़ायदा, क्या चैंटिंग करके क्या फ़ायदा? अच्छा, कितना क्लोज? मतलब आप बहुत अगर प्रोग्रेस हो गए तो आप और भगवान बाजू बाजू में. ओके, यस, व्हाट डू यू चैंट? अच्छा, डेथ आएगा वो तो लंबा है. ओके, समथिंग मोर देन दैट. यस राजेश बोल सर. प्योरीफाई अवर सेल्स. ओके, purify your mind. Okay, theek hai, very good, all your answers are correct, none of you all are wrong. Okay, yes Shraddha Mata ji. Ji, itne janm mein janko janmantar ke jo paap aur sab hai wo dhulne ke liye bite hari naam, paap dhulne ke liye karma. Oh, we are doing akarma, but mother here aapka point mein paap to punya ka kya hoga? कौन सा पहला पाप जाएगा, पुण्य जाएगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस ना टेक्निकली. जस्ट इमेजिन कितना मेहनत करके आपने पुण्य कमाया एंड समवन सेज ओके योर पुण्य अकाउंट गोज जीरो विद प्रेस ऑफ वन बटन.
either of that. Okay, something more? Yes, Shlok, what do you like to see on this? Reserves his comments on that. Okay, yes, Chigar Prabhu, Puli. Chanting is the only option in Kali Yuga for devotion? Only option, theek hai. Only way of devotion. Okay, only way of devotion, fine. I would like to discuss on the point what Shraddha said. She said, we want to get rid of, wash off, burn our karma. So, Prabhuji, chanting karne se apne sukarma ya dushkarma khatam nahi hote. Wo hum log chanting karte hai to akarma hota hai. The time when we are chanting, it is only the akarma which we are doing. So, sin or pious activities jo hai, uska ye hone ka chance nahi hai. I mean, it is not washed off. Yes, Samrat, would like to add to that? Prabhuji, this is a karma, not doing any activities, also doing some activity and usse paap nahi aa raha hai. Agar chanting karenge to karma hoga, which won't have any, matlab abhi koi naya apna account nahi banega. And jo earlier accounts, earlier whatever paap punya hai, that is when we take initiation, that is taken away by the guru. Last two more people are here to answer, Vishal and Darshan. Vishal, first we need to understand that there is no difference between the Lord and His name. Very good. When we do the chanting, it is actually we are surrendering ourselves to the Lord. So that should be the first point when we are doing the chanting. So once we try to surrender to the Lord, then the things will start falling in place. So it's a practice session, let practice it. Okay. One minute, huh? Prabhuji, chanting actually gives you that courage and that strength to fight or to defend or मतलब उसका जो प्रकोप होता है ना उसको बहुत हद तक कम कर देता है. The sheen of the ball is like a fielder standing near the boundary line. He takes the sheen out of the ball, but still the ball rolls over the boundary line. Okay, good. Yes, Darshan Prabhu. No. See, I ask equally. Those who chant or those who don't chant. Dono se main review leta hun. See, I am equal to all. So, you know, one person is there sitting around chanting karne wala, dono baju baju mein. To beech mein jo vyakti hai, quote unquote, no comments. I want to know, have your review. That's why I said, please let me know. Yes, Uma Mata ji, aiye. Yes, Mother, I'll come to you. But let me take पहले ज्ञानियों का आवाज़ सुन के आपके पास आता हूँ. हाँ, जल्दी बोलिए फर्स्ट. हाँ, आप ही बोलेंगे. Only that time में मतलब is the only way to attain moksha. अच्छा, इसके लिए और going so slow. Time बहुत है इसके लिए, तभी कर लेंगे. अच्छा. Yes, Mother जी. I think हम बहुत कर्म मानसिक कर्म करते हैं. ठीक है, दैट्स द सेम व्हाट समरथ सेड. वी टॉक अबाउट अमकर्म. सी, दिस वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग. बुद्धि युक्त जहाती, द वर्ड जहाती मीन्स बर्निंग ऑफ. जहाती मीन्स गेट रिड ऑफ और बर्निंग ऑफ. बुद्धि युक्त बाय यूजिंग योर बुद्धि, by using your intelligence. Buddhi yukta jahatiya ubhe sukrite dushkrite. Ubhe means both, two. IPP mein extra chair hai to pakde ke leke aao, stool leke aao, kidhar se bhi leke aao IPP se. Kya pagal hai, leke aao. Ek stool hai, dekh idhar ek stool hai. Get that from that. So what does it say? Ubhe sukrite dushkrite. Dono, sukriti or dushkriti. Sukriti kahan se milti hai aapko? Punya karma karne se. Aur dushkriti kahan milti hai? Paap karma milne se. So ubhe sukrite dushkrite. Tasmat yoga yujasyasva yoga karma su kaushalam.
One who is in union with God in that way, he is Kaushaltha. He is intelligent and perfect in doing that thing. Please read the Hindi translation of the verse, Mataji. भक्ति में सरल मनुष्य जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। योग के लिए प्रयत्न करो, सारा कार्य कौशल यही है। यही है, ठीक है, फाइन। रीड इन इंग्लिश में। Ah, you read. Chalo, you read. A man engaged in the devotional service, right? A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reaction in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. So, what is the final purpose of our all karma yoga, dhyan yoga, bhakti yoga? Tino yoga mein yoga common hai. What is the meaning of yoga? Let me ask someone who is new. Yes, Mataji, you have come for the first time, I suppose. Yeah. Your good name? Shikha. So, Mataji, I would like to know, what do you understand by yoga or yoga? What do you understand? Yoga means what? Yoga means what? You must have heard about these two words. I am. Yes, please, Mataji. You are asking about yoga. Yoga. You can explain about yoga also. Not about. Yoga is like, according to me, as per my thought, yoga is like we do just to, you know, make or bring peace in ourselves. Achha. And yoga, I just can't explain to you. In the sense, what is it for? Is it for the body? Is it for a better life? What is it for? It's a life. Yoga is something that we do to maintain our life. That's yoga, na? Simple, na? That's yoga. Breathe in, breathe out, that is yoga. That's where we all love to. Ripin. Activity for what? For anything. Actually, most of us don't know the meaning of yoga. Yes, Meena Mataji, aap bataiye yoga ka matlab kya hai? Yoga wo hai jo bhagwan ke bhakti mein leen. Bhagwan ke bhakti mein leen rehna. Bhagwan ke bhakti mein leen rehna ko yoga? I don't think so. That's the correct answer. Preeti. Batao. Come on, fast. Huh? नाश्ता खिला के नहीं लिया? चल जोर से बोल। यूनियन ऑफ पीपल बोला तो व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस नहीं बोला तब तक अच्छा है। ओके, हाँ बोलिए। प्रभु जी, इसमें वर्स 48 में प्रभुपाद जी ने लिखा है, हाँ, क्या है? हाँ, उन्होंने लिखा कि समस्त चंचल इंद्रियों को अपने वश में करके, हाँ, परम तत्व में मन को एकाग्र करना योग कहलाता है। हाँ, और परम तत्व श्री भगवान कृष्ण है। परमार्थ। सो बेसिकली इट इज यूनियन ऑफ गॉड विद द सोल, दैट इज द सोल विद द सुपर सोल, इसको योग कहते हैं। योग मतलब क्या है? मीनिंग इज यूनियन ऑफ सोल विद सुपर सोल, भगवान के साथ मिल जाना। सो इट इज नॉट, योग डजंट मीन जस्ट डूइंग आसनास। जनरली कॉमन पीपल थिंक डूइंग आसनास इज योगा, दैट इज नॉट योगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स अ डिविएशन, द वर्ड इज योग, इट्स अ नो पिवोटेड वर्ड विच इज कॉल्ड एज योगा। योगा मीन्स डजंट मीन आसनास। अष्टांग योगा हैज गॉट 8 स्टेप्स, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। सो आउट ऑफ दैट, यम, नियम आर द फर्स्ट टू स्टेप्स ऑफ योग, देन द थर्ड स्टेप इन योग मीन्स कम्स विज आसनास। सो जनरली पीपल थिंक, यू नो, गोइंग टू सम योगा सेंटर एंड डूइंग सम आसनास, यू नो, कैचिंग योर लेग अप एंड डाउन एंड ऑल इज जीट्स। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, please don't misunderstand me, I'm not deriding it as something inferior, but that is not what yoga
इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ योग विच इज गिवन द शास्त्र. शास्त्र में कहते हैं कि भगवान में अपने आप को लीन करना या द यूनियन ऑफ द सोल विद द सुपर सोल दैट इज गॉड, दैट इज वॉट इज कंसिडर्ड टू बी योग. दैट इज वाई वी हैव ध्यान योग, वी हैव कर्म योग एंड वी हैव गॉट भक्ति योग. सो योग कई तरह के हैं. कर्म योग मीन्स डूइंग द एक्टिविटीज एंड ऑफरिंग द फ्रूट टू द लॉर्ड बाय विच यू आर इन कनेक्शन विद द लॉर्ड. दैट इज वाई द अर्लियर वर्ड्स ही हैज टॉक्ड अबाउट कृपणः, वन हु टेक्स द फ्रूट, वन हु गिव्स द फ्रूट, ही इज कॉल्ड अ योगी और वन हु इज इन योगा. दैट इज वाई द फर्स्ट फॉर्म ऑफ योगा इज हु यूजेस हिज इंटेलिजेंस. अपना भक्ति को कीप इट ऑन दिस टेबल नो प्रॉब्लम, और ऑन दैट कूलर यू कैन कीप इट, और कीप इट ऑन द टेबल नो प्रॉब्लम. अच्छा, सो दैट इज व्हाट इज द एपिटोम ऑफ इंटेलिजेंस इज जो व्यक्ति अपना दिमाग यूज करके अपना कर्म का बोझा, सुकृते और दुष्कृते ये दोनों कर्म का बोझा है और हम लोग इसको ढो रहे हैं और ढोते ढोते और नए कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से वो भी बढ़ते जा रहा है, इवन दैट इज इंक्रीजिंग. सो दिस इज द प्रॉब्लम, वी हैव टू रिड्यूस अवर बैकलॉग ऑफ कर्मास. कर्मा उतारना है हमको, और कर्म उतरेगा कैसे और कब उतारेंगे आप, ये आपको प्रयास आपको करना है. अपने आप कर्म उठेंगे, अगर वो अपने आप जाएंगे तो वो तरीका बहुत खतरनाक है. इट इज अ वेरी डेडली वे. इट इज सैड यू नो, वन नाइस क्वेश्चन वॉज रेस्ड, अगर इस जीवन में जो भी है हमारे पूर्व कर्म से हम करना है, भुगतना है, तो फिर भगवान की जरूरत क्या है. यस चेयर प्रभु, आई नो कम बैक टू द ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड, टू दिस प्रेजेंट वर्ल्ड, यू आर इन सम ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड. सो टेल मी वॉट इज द नीड ऑफ गॉड वेन एवरी थिंग इन अवर लाइफ हैज बीन प्री डिस्टेंड एज फॉर आवर पास्ट कर्मास, देन वाई डू वी नीड गॉड. चलो वो अभी तक वेवलेंथ मैच नहीं हो रहा. यस हाँ यस, अरे दर्शन हाथ के ऊपर. यस नहीं, अगर भगवान की जरूरत क्या है, अगर कर्म किया, हमने पूरा पूर्व जन्म में जो भी कर्म किया है, वॉट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट लाइफ फॉर विच यू आर enjoying or suffering in this birth, then as it is you have to suffer and enjoy as per your karmas, then why do we need God? Why do we need God? There is no true happiness, jaise aapne bataya, it is all this. We are connection, we are a soul, and when we get connected to super soul, then only we can experience the bliss. बट really किसी भी हालत में आपको कर्म तो काटने हैं ना, वो कर्म तो काटने, लेकिन जब अगर हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तो काटने की हमको क्षमता होगी. ओके वेरी गुड, वेरी नाइस, दैट्स अ गुड पॉइंट. जो ये है वो खाली ट्रिप करते रहेंगे, जो भगवान का नाम लेंगे वो. अब ट्रैफिक है, लोग ट्रैफिक में एकदम गाली गलौज पे उतर जाते हैं, अपने आराम से अपना चैटिंग हो जाता है. ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड, समथिंग हायर इवॉल्व. अगर हम लोग सब भक्ति में आते हैं, बट इज जैसे के सम्राट प्रभु जी ने बोला कि भाई वी वुड बी एबल टू नहीं, हाफ ऑफ दिस आंसर इज करेक्ट, देयर इज वन हाफ विच इज मिसिंग. ही हैज टेकन हाफ ऑफ द आंसर परफेक्टली करेक्ट. ही हैज सेड दैट ओके बाय विथ वर्च्यू ऑफ गॉड आई एम एबल टू कट माई कर्मस, और दोज कर्मस आर गेटिंग सम रिडक्शन और सम डिस्काउंट, वॉट एवर यू सी, बट समथिंग लिटिल मोर हायर, दैट इज व्हाट आई वांट. Devotion service, we will get special mercy of God to be able to get out of the cycle of birth and death. Okay, fine. Yes. प्रभु जी, हमारे संचित कर्म और आगामी कर्म भी होते हैं जो हमें आगे उसको काटना है. See, that is as he had mentioned, at the time of initiation, your Sanchit Karma will be
fully wiped off. Only your prarabdha karma will be put in front of you as a test in your devotion. So, see, the most important thing, when everything is as per the law of karma, there is there not a judge required for it? Who decides the karma is right or wrong? For that purpose you need God. आप समझ रहे हो उस बात को? अगर अगर आप कोई कर्म करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को 10 रुपया दिया और वो कर्म सही है या गलत है, ये डिसाइड करने वाला कौन है? देर इज अ सुपीरियर बॉस हु डिसाइड्स. दैट इज वाई वी नीड गॉड. वॉट यू ऑल सेड इज ट्रू. आई डोंट हैव एनी आउट ऑफ डाउट बिकॉज मैंने आप लोगों को सिखाया वो, सो आई कैन नॉट बी रॉन्ग. सी, सो दैट पॉइंट इज ट्रू, आई डोंट डिनाई फ्रॉम दैट. But here, the, in the context of the question what I'm asking, that why do we need God when as it is our life is predestined. Everything is going as per our destination. Like, you know, मुझे इतना सफ़र करना है, इतना सुख भोगना है, इतना दुख भोगना है, ये मेरे प्रारब्ध कर्म से मुझे मिल रहा है. सो ये प्रारब्ध कर्म अगर है तो फिर भगवान की ज़रूरत क्या है? कि भगवान ही निर्णय करेंगे. तय कौन करेगा? तय कौन करेगा? That is the first reason we need God. Second reason, yes, then since the judge है, judge को आप थोड़ा मस्का पॉलिश लगाओ तो शायद आपका सजा थोड़ी कम हो सकती है. So this is how we have to understand. So first part in karma yoga, in this part of karma yoga is, sorry, in bhakti yoga is, intelligent person with using his buddhi will burn off both duskrite and sukrite. That is very very important. That's good. Yes. Yes. On this, आपने तो प्रभु जी पहले भी कहा था ना कि God says that I am not involved in the law of karma. But he decides, no? Yeah, exactly. कर्मणे वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन. You have the right to do the karma. But whether it is good or bad, whether it is right or wrong, that will be decided by whom? Who will decide that? So you need an authority. Like whatever, suppose in your office you are doing some work and wo work sahi hai ya galat hai, who will decide? You may say, right, main raat bhar soya na, raat bhar baith ke kaam kiya, but you did a job which was not at all required by the organization. Then who will decide? The boss will decide, or your superior or the technical department will decide ki bhai jo tune kiya wo zaruri tha ya nahi, whether it was right or wrong. If it was right, you may get a appreciation. And if you have done something wrong, then you get a firing. So in both case, you need a boss. So in any case, we need God. Because God decides whether it is right or wrong. Knowingly, unknowingly is a different matter. That comes into another karma kanda or karma yoga category. Okay, Guru, my second question is, both your good and bad reactions will be burnt off. So is it like ki akarma karne ki wajah se pichle karma jo hai karma sukarma dushkarma wo bhi burn off karne. Acha, I'll answer this question, but I'll ask one question first. Answer me that, why should we burn our karmas? To get out of the cycle of karma. The minute your prarabdha karma is over, you have to leave this body. जिसको जो शरीर मिला है प्रारब्ध कर्म के हिसाब से, गधा घोड़ा कुत्ता हाथी जो भी मिला हो, या इंसान जो भी हो, अमीर गरीब काला गोरा मोटा नाटा छोटा, एवरीवन, द मिनट योर प्रारब्ध कर्म इन दैट बॉडी इज ओवर, यू हैव टू लीव दिस बॉडी. विदाउट एनी कर्मा बैलेंस वी कैन नॉट स्टे इन एनी बॉडी. You cannot say, मेरे तो सब कर्म कट गए. अरे, you cannot say that. The minute your karmas are over, you have to, ये देह छोड़ना है आपको. देह दिया किसके लिए? कर्म के वजह से आपको देह दिया गया है, वो देह छोड़ना है. तो प्रभु, जब तक आप आपके सुकृते और दुष्कृते दोनों नहीं जलाओगे, आप मोक्ष की तरफ बढ़ कैसे पाओगे? How can you see, as long as even one karma is there, you have to take birth again. Now, what it may be, good or bad, I can't predict, or anybody can't predict on that. Second question, it's like simple, I always give this example. Suppose you have a bank account. You have 5 rupees in that account, you cannot close the account. You have to pay 5 rupees to the bank, you cannot close the account unless and until the money is zero.
अब आपने अकाउंट बंद किया, जो भी आपको 5 रुपया बोलेंगे ये लो आपका 5 रुपया लेके जाओ, अकाउंट क्लोज्ड। आप 100 रुपये रख के आप अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते हो। सो इफ यू वॉन्ट क्लोज योर अकाउंट ऑफ कर्म, यू विल हैव टू फर्स्ट बर्न आउट एवरीथिंग। पैसे तो आप बांट सकते हो, कर्मा कोई बोलेगा नहीं ना। अकाउंट में पैसे है तो लेने के लिए लाइन लगी है, मगर कर्म कौन लेगा, कोई लेगा कर्मा अपने? मतलब मेरे इतने हैं, तुझे धीरे क्या लेके क्या करूँगा, मेरे पास इतने हैं मेरे पास। सो यू कैनॉट क्लोज योर अकाउंट। सो इफ यू वॉन्ट टू क्लोज योर अकाउंट, गो टू नलिफाई योर अकाउंट, देन यू कैन टॉक ऑफ समथिंग कॉल्ड getting out of the cycle of birth and death. As long as God, you have got karmas, either to enjoy or to suffer, you have to stay in this body, might be another body, might be another body. Bhava sagar, bhava matlab, vapas vapas punar punar, janam lena padega. So, iska meaning hai ki matlab burn ho rahe hai, if you are doing akarma, 100%. प्रभु द बिगेस्ट एडवांटेजेस, टू एडवांटेजेस, एक तो बर्न हो रहे हैं और दूसरा ऐड नहीं हो रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं भोगने के चक्कर में, सुख या दुख। नो सपोज यू से नहीं सैटरडे संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे आई वांट टू गो फॉर अ रिसोर्ट, फाइन गो, बट देन यू आर इनकरिंग सम कर्म। आई एम नॉट सेइंग इट मे बी नेसेसरी बैड, इट कैन बी गुड ऑल्सो, बट इन एनी केस यू आर मेकिंग श्योर दैट योर कर्म अकाउंट इज इंक्रीजिंग. And when your karma account is increasing, you cannot get out of the cycle of birth and death. We can't get out of the cycle of birth and death. So the main purpose of burning this account of karma is कि भाई हमको जब तक कर्म है एक शरीर दिया गया है, गधे का कर्म है तो गधे का शरीर है, घोड़े का कर्म है तो घोड़े का शरीर है, जो भी कर्म किया है. Okay, yeah, let's go to the next verse. या 51 ना, कर्मजम बुद्धि युक्ति ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणाम जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा पादम गच्छति अमान्यन अमान्यनम अनामयम सॉरी. इन द डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, ग्रेट सेजेस और डिवोटीज फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ वर्क इन द मटेरियल वर्ल्ड. इन दिस वे दे बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड अटेन द स्टेट बियॉन्ड ऑल मिसरीज बाय गोइंग बैक टू गॉड. So what does this answer your question, Jigar? This verse itself answer, I think God knew you're going to ask this. He wrote it. Vyasa wrote it. By this engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the result of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death. So janm mrityu ke chakkar se nikalna hai, to pehle apne karm ko, कर्म के अकाउंट को जीरो करो. और लोग पता चला कर्म को जीरो करने के चक्कर में और 100-200 points बढ़ाते जा रहे हैं दिन भर, वो नहीं होना चाहिए. वन हैज़ टू बी फोकस्ड, भक्ति करो, भगवान का नाम जपने के अलावा अगर कुछ मार्ग है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं अपनाने को तैयार हूँ, आई एम वेलकम फॉर एनीथिंग, बट इट शुड बी बेनिफिट. नहीं है तो फिर मेरे लाइन में आ जाओ. दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आई कम योर इन योर टीम और यू कम इन माई टीम. आई वॉन्ट मी टू कम इन माई टीम, वेलकम. शिक्षाष्टकम का जो फर्स्ट चेतोदर्पण, हाँ चेतोदर्पण में दैट इज नथिंग टू डू, चेतोदर्पण मीन्स इट इज सेइंग दैट यू आर क्लेंजिंग योर हार्ट. भव महादावा अग्नि निर्वापणम, व्हाट डज दैट मीन, दैट जो भव में जो अग्नि है, यू नो द मटेरियल वर्ल्ड, आई गेव दिस एग्जांपल यस्टरडे आल्सो, आई रिपीट द सेम थिंग, यू नो वी आर ऑल टेकिंग टू वेरियस मोड्स ऑफ सो कॉल्ड हैप्पीनेस लाइक इंटॉक्सिकेशन, लाइक हैव यू नो हैविंग लिकर ड्रग्स, यू नो गोइंग टू पब्स डिस्कोटेक्स. व्हाई वी वॉन्ट टू बी हैप्पी बट वी आर नॉट गेटिंग हैप्पीनेस. It is like a painkiller. These are like painkillers. They are not a giving a permanent solution. But still we are happy. At least painkiller ho raha hai. Thoda der ke liye mera dard to ja raha hai. So that's why every day, every night, everyone wants to go for drinking and roaming around and dancing and everything. But actually it is not giving you that desired results. So that is why it is said. That is why Lord is very specific here.
Thus, engaging in devotional service, only by devotional service, not by karmakand. Please don't misunderstand karmakand to be devotional service. Do alag cheez hai complete. Karmakand cheez alag hai, devotion alag hai. Karmakand mein ye kiya, return mein kuch de. 16 somvar kiya, 16 shukravar kiya, mujhe Russia jana hai. Hai na? तो 16 सोमवार किया, 16 शुक्रवार किया, मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए. जोर से मुंडी ले. सो दैट्स नॉट द केस. द केस इज यू डू डिवोशन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. व्हाट इज ड्यू फॉर यू विल कम योर वे, एंड व्हाट इज नॉट, व्हाट एवर यू डू अपसाइड डाउन स्टैंड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट. यू कैन नॉट गेट इट बिकॉज दैट्स हाउ प्रारब्ध कर्म का लॉ वर्क्स. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स. यदा ते मो अखिलम. ओके, नॉट यू. हू कैन रीड? नो, यू ऑलरेडी रीड. हू कैन रीड? नो. हाँ, ओके. व्हेन योर इंटेलिजेंस हैज पास्ड आउट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, यू शैल बिकम इंडिफरेंट टू ऑल दैट हैज बीन हर्ड एंड ऑल दैट इज टू बी हर्ड. व्हेन योर इंटेलिजेंस हैज पास्ड थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, you shall become. What is that, your intelligence? Can anyone explain me this word intelligence? Yadate moha kilam buddhir vyatrashriyatati. Can anyone tell me the meaning of why buddhi kam, what is the use of buddhi? Shlok, can you tell me what is the use of buddhi? Buddhi means intelligence. थिंक लॉजिकली. मतलब एक आदमी आत्महत्या करता है तो भी लॉजिकली सोचता है, सुसाइड नोट लिखता है. लाइव में आजकल तो फैशन है, लाइव में आत्महत्या करते हैं लोग, फेसबुक लाइव में. सो इज दैट then what is logical thinking? That is what I want to know. Yes. To figure out what is wrong and right. Very good, very nice, perfect answer. The discriminatory power which is there in you, which can discriminate between what is good and what is bad, is called intelligence. Mind will say any damn thing. But the intelligence which decides whether to accept it or to reject it. So it's very nice that you have given a perfect answer. Use it. People know, I know, the purpose of it, but they don't use it. Sorry, that's about the practical problem in human life. Because what happens? We go, what is? What we like. You know, some things are very lucrative. It apparently thinks you think you are getting pleasure, but in the long run it is very dangerous. There's our intelligence is of four types. So always I give this example. I have mentioned already. I'll again repeat it. Sharab buri baat hai. Pehla intelligent vyakti kya karega usko? Suna. Sharab buri baat hai. Chhod di. Second level pe kya aayega? Sharab buri baat hai. Suna. Dekha. मेरा काका पी पी के मर गया, चाचा पी पी के मर गया. नो, यू सी इट्स व्हाट यू नो प्रैक्टिकल. सो सुना, देखा. थर्ड लेवल सुना, देखा. मैं कंट्रोल्ड पीता हूँ प्रभु जी, मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं. आई परफेक्ट कंट्रोल, आई कंट्रोल माई सेल्फ. अच्छा, ठीक है. फिर पिया, फिर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल से अनकंट्रोल हुआ, फिर लिवर ख़राब हो गया. All that happens, and then when the doctor repairs him, sends him back. Ab suna, dekha, tajurba kiya, chhod. But the fourth category, that is zero intelligence. First is best intelligent, lower intelligent, still lower, and the worst or no intelligence is suna, dekha, tajurba kiya, doctor ke wahan se wapas aaya. और वापस 6 महीने के बाद कुछ नहीं होता है. कुछ नहीं होता, थोड़ा सा
So that is zero intelligence. So please use this word. That is why Lord is making a very, very punching statement. When your intelligence has passed through the dense forest of delusion. We are all in a dense forest of delusion. The best delusion is morning or anytime you put on the TV or FM radio. What starts in the screen is net delusion. Why delusion? कोई चीज आपका काम का चीज है क्या टीवी में? फिर भी सब लोग देखते हैं, वो भी खचक 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 चेंज करते हुए. माइट बी नेक्स्ट चैनल में गिव मी हैप्पीनेस, नेक्स्ट चैनल में गिव मी हैप्पीनेस, नेक्स्ट चैनल में गिव मी हैप्पीनेस, बट एंड में 200 है ना, हाउ मेनी टोटल आज किसी के पास जियो बियो है तो कितने चैनल्स हैं मालूम है आपको? नहीं बहुत है मालूम है, कितने हैं? एनी गेस वर्क? 1700 एज ऑफ नो, और चैनल्स ऐड हो तो बात नहीं है, आई डोंट नो. 1700, आई मीन दैट इंक्लूड्स नेटफ्लिक्स, योर प्राइम वीडियो एंड ऑल दैट वूट एंड ऑल दैट स्टफ, बट टोटल 1700 चैनल्स. खुशी ढूंढने के लिए और कम पड़ा. पहला टीवी आया, फिर पहला नहीं, पहला पिक्चर आया, फिर टीवी आया, फिर ओटीटी आया, क्या क्या नहीं आया. बट तभी भी आदमी दुखी था, अभी भी आदमी, बिकॉज वी आर इन डिल्यूजन. हम लोग हमेशा मोह में हैं, हम लोग हमेशा समझ में नहीं आता कि क्या हमको सुख देगा और क्या नहीं देगा. और उस व्यक्ति से आप सुख ढूंढ रहे हो जो खुद दुखी है, वो आपको क्या सुख देगा? सी वन हु इज एक्टिंग इन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, इन अ मूवी और इन अ सीरियल और एनीथिंग, आई मीन एनी टीवी प्रोग्राम, एनीथिंग इज सिंगिंग और एनीथिंग, हाउ कैन ही गिव यू हैप्पीनेस? ही हिमसेल्फ आई डोंट नो कौन सा एक्टर कब जाके सुसाइड करने वाला है, आजकल वो हाल है. तो हु हिमसेल्फ इज सैड इन द कोर फ्रॉम हिज सॉन्ग, फ्रॉम हिज एक्टिंग और फ्रॉम हिज जोक्स, कैन यू गेट हैप्पीनेस? द सोर्स इटसेल्फ इज रॉटन एंड यू गोइंग टू गेट प्योर आइसक्रीम जूस इन दैट, यू गोइंग टू गेट इट. That is why it is told that one should do devotional service of Lord. भगवान का भक्ति करो. भगवान के अंदर कोई भी दोष नहीं है, उनके अंदर खुशियां भरी हुई है. कभी भगवान को देखो ऐसे त्रिभंग खड़े रहते हैं हमेशा रिलैक्स्ड मूड में. हम लोग हैं काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है, वी आर इन ऑलवेज इन अ रेस. बट लुक एट गॉड, डू यू सी एनी टाइम गॉड वर्किंग लाइक ए लेबर? And any time you are standing like this in the house, never relaxed. You are never relaxed. You are always slogging. Ye kaam karne baad, what next, what next, what next? So please understand, one who has the source of happiness, he is Satchit Anand. Wo Anand unke paas hai. इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं जाके माता जी थोड़ा आनंद दो, थोड़ा आनंद दो, नहीं देने वाले. कितने भी नाचने दो, कितने भी गाने दो, they cannot give you happiness. He doesn't have. So rather go to one. It's like going to a hardware shop and asking for a cake. Sir, मुझे एक किलो केक दो. नहीं यार, तो आपको हथौड़ा मिलेगा, खिल्ली मिलेगा आपको, ठीक है. Then you went to a, let's say, a medical shop. केक दे दो, गोली मिलेगी, केक कहाँ से मिलेगा? So जिसके पास जो चीज़ है वही दे पाएगा, right? So why don't we go to God? Why don't we go to Krishna? Who can give us this happiness? He is a source, he is a powerhouse, he can give us. हम लोग क्या दे सकते हैं? कोई कुछ हम लोग कोई happiness दे नहीं सकते, because we ourselves are living in this miserable world, this दुखालय में बैठे हैं. और दुखालय में बैठ के हम लोग टी वी देख रहे हैं, रिसोर्ट जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, टू थिंक वी आर हैप्पी और वी आर गोइंग टू डिराइव हैप्पीनेस. दैट इज डिल्यूजन. That is delusion. That is confused, complete moha. That is when your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to what that has been heard and what that has to be heard. आपके अंदर वो बुद्धि आ जाएगी, rational thinking of differentiating between this and that. What is right and what is wrong? What is good and what is bad? What is acceptable and what is not acceptable? You will get this knowledge only once you do devotional service and surrender to God.
Anybody has got any doubts, questions, can ask.